राजस्थान के भिवाड़ी जिले में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल अजीत यादव की अपनी ही पत्नी की पिटाई की खबर चर्चा में ही है। वहीं शहर से एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सतवीर सोनी नाम के इस शख्स का आरोप है कि वो अपनी पत्नी के अत्याचार की वजह से आज सड़क पर पहुंच गया। हालात ऐसे हो गए कि उसकी करोड़ों की संपत्ति बिक चुकी है और अब खाने पीने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। भिवाड़ी की भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाले सतवीर सिंह सोनी पुत्र महेंद्र सिंह सोनी ने बताया कि उनकी शादी शाहदरा दिल्ली की रहने वाली मीनू सोनी के साथ दिसंबर 2001 में हुई थी। शादी के 2 साल बाद से ही वो उन्हें प्रताड़ित करती आ रही है। पीड़ित सामाजिक लोक लाज और अपने बच्चे के भविष्य को देखकर अपनी पत्नी से अभी तक प्रताड़ना सहता आ रहा। सतवीर सोनी ने पुलिस की अब शरण ले ली है, लेकिन उसे सहायता नहीं मिल पा रही है। उसकी पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया है। फिलहाल सतवीर अपने घर के बाहर खड़ा आंधी में उड़ रही धूल फांक रहा है, बारिश में भीग रहा था। पिछले 24 घंटों से घर के बाहर खड़ा सतवीर घर में अंदर जाने के लिए अपनी पत्नी से गुजारिश कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक भी नहीं सुन रही। सतवीर के मुताबिक वो पूरी रात घर के बाहर कभी फर्श पर तो कभी गाड़ी के अंदर सोया है। पिछले 24 घंटों से उसने खाना भी नहीं खाया है। पीड़ित सतवीर सोनी ने भिवाड़ी फूलबाग थाने में अपनी पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाते हुए सुरक्षा और न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि पत्नी के महंगे शौक और बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करते करते उनकी महंगी गाड़ी, उनके फ्लैट और उनकी अन्य प्रॉपर्टी भी बिक गई और धीरे धीरे करके सतवीर कंगाल हो गया। पीड़ित सतवीर सिंह का कहना है कि 2 दिन पहले एक सरकारी स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा उसकी पत्नी के द्वारा पीटे जाने का वीडियो मीडिया में देखा गया था और उसी वीडियो से प्रेरित होकर मुझ में भी हिम्मत जागी है और अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हुआ हूं। उन्होंने थाने में मामले को दर्ज करवाया है। घंटे हो गए मेरे को मार पीट के, मेरी हड्डी भी तोड़ दी। हमें हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट वगैरह करा के आया हूँ, उसके बाद भी मेरे को अंदर कुछ नहीं दिया जा रहा है। कुछ हेल्प कर सकते तो कर दो, नहीं तो मेरे पास आखिरी एक ही रास्ता है कि मैं तो बस अभी यहीं आके अपने आप को खत्म कर लूंगा। बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे। बारिश में तूफान चलने लग रहे, बहुत परेशानी हो पड़ी है। आपको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा जी यहाँ पे। अभी आंधी तूफान आ रहा है, मैं रात को भी इधर ही सोया हूँ, यहाँ पे बाहर ही सोया हूँ, यहाँ पे अंदर घुस नहीं दे रहा। और मेरी घरवाली ने मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रखे भाई साहब, अगर आप लोग कुछ हेल्प कर सकते तो कर दो। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।